हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक से मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो है इस चैप्टर का, तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कहा गया है कि 14 जुलाई 1789 जो पेरिस एक सिटी है फ्रांस में, वहां की बात करी गई है, वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। राजा ने ऐसा 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात हो रही है यहाँ पर, तो इनमें कहा गया है कि राजा जो है वो कह रहे हैं कि एक टुकड़ी भेजी है, हमने एक सेना की टुकड़ी भेजी है सिटी में, और ऐसा वहम सा फैल गया है कि ये जो सेना आ रही है ये गोलियां चला देगी शहरवासियों पर, शहर के लोगों पर, और कुछ 7,000 मेन और वुमेन जो है वो एक साथ खड़े हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं ये लोग, और ये लोग जो है वो आर्म्स वगैरह के लिए, मतलब गोली वगैरह ढूंढने के लिए या फिर कुछ भी मारने के लिए, कोई भी चीज जिससे वो अपने आप को सिक्योरिटी दे पाए, ऐसी चीज ढूंढने के लिए वो चले जा रहे हैं। ये जाते हैं ईस्टर्न पार्ट जो है सिटी का, वहां पे जाते हैं, और वहां पे एक जेल होती थी, बिल्कुल ही गुस्से में जा रहे होते हैं, और एक जेल होती थी जिसका नाम होता था बेस्टील, घेराबंदी होती थी इस जेल में। तो इस जेल पे वो जाते हैं बेस्टील पे, और इनकी ऐसी कोई उम्मीद होती है कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो हमें कुछ हथियार मिल जाएंगे जिससे हम अपनी रक्षा कर सके, पर वो वहां जाते हैं और जो बद्दी लोग होते हैं, बद्दी होते हैं जो, उन्हें वहां पे उन्हें वहां से निकाल देते हैं, बंदी लोगों को वहां पे बंदी लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है, और सब लोग बेस्टील जो जेल है उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे क्योंकि ये राजा की शासन को दिखाता था और ये राजा को बहुत खराब समझते थे, गंदा समझते थे, उसकी क्रुएलिटी को ये दर्शाता था, ये जेल दर्शाती थी, ये बहुत बड़ी जेल थी, ठीक है। और ये जो जेल थी अब ये जेल भी इन लोग ने तोड़ना शुरू कर दी थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जेल जो थी इनने ये जेल को तोड़ना भी शुरू कर दिया, और जब इनने ये जेल तोड़ी तो इसकी जो भी पत्थर वगैरह निकले उन पत्थरों को इनने बेच दिया कि एक यादगार पल है जिसमें इनने मतलब बहुत बड़ी जीत हासिल करी है कि राजा की जो जेल है बेस्टील उसे इन लोगों ने तोड़ दिया है, एक बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट बन गया था ये। तो इसे बेचा भी गया, ये जो पत्थर थे इसे बेचा भी गया, ठीक है, और बेच करके इनसे पैसा वगैरह कमाया गया, ठीक है। अब ये जो पेरिस है और जो भी कंट्री साइड है ना, उसपे लोग मतलब दंगे कर रहे हैं, आउटब्रेक्स हो रहे हैं वहां पे, रेतिंग हो रही है, ठीक है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ब्रेड के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, ब्रेड के दाम घटने चाहिए। ये जो ब्रेड के दाम है वो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं ब्रेड को कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रोटी होती है वैसे ही वहां पे फ्रांस में ब्रेड होती है, तो जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, वैसे उनके लिए ब्रेड बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है उन्हें भी ब्रेड की। तो अब इनका कहना था कि ब्रेड की जो डिमांड वगैरह वो बहुत बढ़ गई थी, तो प्राइजेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं ब्रेड के, और इन्हें कम होना चाहिए, इनकी डिमांड थी। और जो हिस्टोरियंस थे जो हिस्ट्री को देखते हैं लोग, वो बता रहे कि बहुत छोटी छोटी चेन ऑफ इवेंट्स है, बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसके कारण फ्रांस में बहुत ही ज्यादा बड़ा एक चेंज आया है और फ्रांस के राजा को निकाल दिया गया है। तो इतना बड़ा चेंज आया कि उन्हें राजा को ही हटा दिया था, और बहुत सारे
जो लोग थे ना, वो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे कि उन्हें राजा को भी हटाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये बिल्कुल एक ओवरव्यू है चैप्टर का, आप बिल्कुल देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इस चैप्टर में बिल्कुल एक ओवरव्यू है कि क्या पढ़ाया जाएगा आपको इस चैप्टर में, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।